मुझे भूली कर करके मुझे मेरे अंदर इतना जहर भर दिया गया था कि मुझे लगता था मैं बात करना चाहूंगा भी तो नहीं करेंगे बस आखिरी बेंच पर बैठकर रोता रहता था अपनी किस्मत को कोसता रहता था और सोचता था कि ऐसी जिंदगी का फायदा क्या है एक बार सोचा अगर जिंदगी का फायदा नहीं है तो इसको खत्म कर मैं अंदर ही अंदर सोचता रहता था कि यार ये वो नहीं है जो मैं करना चाहता था कुछ मिसिंग है क्या लगता है क्या डिसीजन लिया होगा मुश्किलों से भागकर कब तक ही तू कतराएगा जिंदगी की जंग से जीतेगा जो टकराएगा वादा कर कि हार से बिल्कुल ना तू घबराएगा गिर गया तो क्या हुआ मेहनत से टूट जाएगा मेहनत से टूट जाएगा इसी मेहनत की कहानी आज मैं आपके पास लेकर आया हूं इस कहानी में कुछ सपने हैं कुछ हकीकत कलाम साहब की जुबानी कहूं तो सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं अगर मैं अपनी जुबानी बोलूं, तो सपने बड़े नहीं होने चाहिए सपनों की भूख बड़ी होनी चाहिए और जितनी बड़ी आपकी भूख होगी उतनी ही आपकी हिम्मत होगी फैसले लेने की और जितने बड़े आप फैसले ले पाओगे उतने बड़े आपके सपने होते जाएंगे कनेक्शन देख पा रहे हैं आप शायद यही भूख थी जिसकी वजह से मैं अपनी जॉब और आई की सीट छोड़ के अपने सपने की तरफ बढ़ पाया शायद यही भूख थी जिसकी वजह से मैं जमीन से उठकर एक महल खड़ा कर पाया नमस्कार मेरा नाम मिलन चांदवानी है स्कूल के टाइम पे डरा सहमा अंदर से खौफ में रहता था स्कूल में बहुत लोगों को बहुत सारा मजा आता है वहाँ सीखने को मिलता है दोस्त होते हैं पढ़ाई होती है गेम्स होते हैं क्या नहीं होता है पर मेरे जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनके लिए वहां केवल डर होता है मैं स्कूल जाता था पर मैं किसी से बात नहीं करता था ऐसा नहीं था मैं बात करना चाहता नहीं था पर मेरे मोटापे और मेरे पढ़ाई में अच्छे ना होने की वजह से मुझे बुली कर कर के मुझे मेरे अंदर इतना जहर भर दिया गया था कि मुझे लगता था मैं बात करना चाहूँगा भी तो नहीं करेंगे मजाक उड़ाएंगे माना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं था मारने और गाली देने का हक हाँ फिर भी नहीं था तुम्हें नहीं था मैं तुम्हारे जैसा मैं कुछ कर सकता था मेरी जिंदगी के साथ खेलने का हक फिर भी नहीं था तुम्हें मुझे आज भी याद है मेरे दादाजी की डेथ हुई थी और मैं तीन दिन स्कूल नहीं जा पाया था तीन दिन बाद जब मैं स्कूल वापस जाता हूँ तो नोट्स मांगने के लिए पाँच लोगों को मैंने अप्रोच किया पाँचों ने इनकार कर दिया छठे तक जाने की हिम्मत ही नहीं हुई एक और दिन याद है जब स्कूल से निकलने के लिए थोड़ा पेट दर्द हो रहा था तो कमरे में बैठ गया चार लोग मेरे पास आए मुझे बोला स्कूल रूम से बाहर निकल मैं नहीं गया तो मुझे उस कमरे के अंदर बंद करके इतना मारा कि मैं फिर कभी स्कूल में रुकना नहीं चाहा आज भी सोचता हूँ कि शायद इसी वजह से मैं ना पढ़ाई पे ध्यान दे पाता था ना दोस्त बना पाता था ना खेल पाता था ना कुछ कर पाता था बस आखिरी बेंच पर बैठ कर रोता रहता था अपनी किस्मत को कोसता रहता था और सोचता था कि ऐसी जिंदगी का फायदा क्या है एक बार सोचा अगर जिंदगी का फायदा नहीं है तो इसको खत्म करते हैं एक ही सवाल कर मन मेरा तो रोता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कार बदरा छाए तो मुश्किलों का न्योता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है तू ही है जो लड़ सकता है तू हार के ना खोता है इसीलिए ये होता है तेरे साथ होता है उस दिन रियलाइज किया कि मैं हमेशा अपने आप को विक्टिम की तरह देखता था कि सब मेरे साथ ही क्यों होता है मैंने क्या गलत किया है पर तब एक और एहसास हुआ कि मैंने आज तक इस जंग को लड़ने की एक भी कोशिश नहीं करी है मैंने कभी भी इस बदलाव लाने की कोशिश करी ही नहीं है तो सोचा कि एक बार इस परेशानी से लोहा ले लिया जाए ज्यादा से ज्यादा क्या होगा इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता है ना बस उस दिन मैं एक बात समझ गया था कि आपको अपनी जिंदगी की जंग खुद लड़नी पड़ेगी और आप तब तक हार नहीं मान सकते जब तक कि आपने जी जाना लगा दी हो गिरोगे बार बार गिरोगे पर कहते हैं ना गिरते हैं कई शहसवार मैदान जंग में वो तिफ्ल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले डिसीजन आपको लेना है कि आप शह सवार बन के आगे बढ़ना चाहते हैं या तिफ्ल उस दिन मैंने ठान लिया था कि अब रुकना नहीं है अब हार नहीं माननी है अब लगे रहना है पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं ना मोटा हूं ना लड़ेंगे तो किताबें जो समझ में नहीं आती थी उनके सामने घंटों तक बैठकर उन्हें समझने की रट लगा ली थी धीरे धीरे करके किताबें समझ में भी आने लगी और आखिरी बेंच पर बैठकर छुपने वाला वो बच्चा जो सवाल भी नहीं पूछ पाता था आज पहली बेंच पर आके जवाब देने लगा था चल पड़ा था उस रास्ते पे, रास्ता कुछ अनजान सा था इस अनजान रास्ते पर छुपा मेरा अंजाम सा था आज भी याद है कि केमिस्ट्री क्लास में आ, मेरे मैं पढ़ाई नहीं कर पाता था ज़्यादा अच्छे से तो मेरे एक टीचर मेरा बड़ा भाई जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए स्कूल आता है तो उस टीचर के पास जाता है सर ये क्यों नहीं पढ़ पा रहा है क्या ये आपकी क्लास में ध्यान नहीं देता है इसके नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं तो उस टीचर ने बोला नहीं सर ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं देता है अच्छे से बैठता है अच्छे से सुनता है बस इसका आई क्यू लो है ये इसका कुछ नहीं कर सकते आप और एक वो दिन था और एक उसी साल का आखिरी दिन था जब मेरी क्लास का सबसे होनहार बच्चा उसी टीचर के पास एक डाउट पूछने गया था और उस टीचर ने बोला था मिलन से जाके पूछो उसे आता है और उसे देख के कुछ सीखो वो वो बंदा बहुत अच्छा था तो उसने आगे मुझे ये चीज बताई और ये चीज मेरे साथ पूरी जिंदगी टिकी रही ये चीज उस बच्चे को जो बिलो एवरेज था कब आई क्लियर करने पर मजबूर कर गई मुझे पता ही नहीं चला खैर इंजीनियरिंग की राह पर चलकर जो हर नॉर्मल इंडियन फैमिली का सपना होता है वो किया जॉब किया सैलरी आने लगी सब नॉर्मल नॉर्मल इंडियन फैमिली सब खुश सोसाइटी खुश परिवार खुश मैं खुश नहीं था मैं अंदर ही अंदर सोचता रहता था कि यार ये वो नहीं है जो मैं करना चाहता था कुछ मिसिंग है तो वो कुछ मिसिंग को मैं अपने फ्री टाइम में ढूंढने की कोशिश करता था कभी डांस क्लास जाता था कभी गिटार सीखता था कभी ड्रम सीखता था कभी कुछ और कभी कुछ और इस कुछ और की तलाश में मैंने वॉल्टियरिंग नाम का एक शब्द पाया और मैंने अपने सैटरडे संडेज एक अनाथालय और शेल्टर होम के नाम किए वहां हर हफ्ते जाता था बच्चों की जिंदगी बदलता देखता था लोगों की जिंदगी बदलता देखता था धीरे धीरे मुझे वहां अपनापन महसूस होने लगा शुरू में मैं, मैं केवल मजे के लिए जाता था पर अब मुझे मजा आने लगा था पहले दो दिन जाता था दो का हुआ तीन चार तीन चार का हुआ पूरा हफ्ता पूरा हफ्ता मैं वहां जा रहा हूं तो मुझे कुछ और मिल चुका था जिंदगी में जो मेरा एक पर्पज हो सकता था पर उसी टाइम पे हर इंडियन इंजीनियर की जिंदगी में जो दूसरा मोड आता है वो मेरी जिंदगी में भी आया बेटा एम कर लो लाइफ सेट हो जाएगी तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं माँ बाप बुरा नहीं सोचते हैं माँ बाप हमारे भले के लिए ही सोच रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं एम की कोशिश कर लेते हैं थोड़ी मेहनत करी कैट दिया नाइन्टी नाइन परसेंट उस दिन मुझे मेरे इंजीनियरिंग मेरी वॉल्टियरिंग का एक छोटा सा फायदा समझ में आया मेरी प्रोफाइल अलग हो चुकी थी और मुझे कई आई में एडमिशन मिला उसकी वजह से पर आपको याद होगा मैंने कहा था मेरे सपनों की भूख बड़ी हो चुकी थी तो उसी टाइम मैंने टीच फॉर इंडिया के लिए भी अप्लाई किया था जहाँ पे मैं रोज गवर्नमेंट स्कूल में रहकर बदलाव ला सकता था हर पल हर वक्त और लगा नहीं था कि दोनों में से कहीं भी सिलेक्ट होऊंगा और दोनों रिजल्ट मेरे फेवर में आ गए अब आई एम था जो मेरी जरूरतें पूरी कर सकता था और टीच फॉर इंडिया था जिसकी जरूरत शायद सही में मुझे थी हम्म, क्या लगता है क्या डिसीजन लिया होगा सही लगता है मैंने अपनी जरूरतों को जमी के गहरे गड्ढे में गाड़ कर उस पर अपनी खुशियों का पेड़ लगा लिया और मैंने टीच फॉर इंडिया ज्वाइन कर लिया माँ बाप अपने दोस्तों ने सपने बोला क्या कर रहा है बेवकूफ है क्या आज अच्छा लग रहा है कल बुरा लगेगा दोस्त आगे निकल जाएंगे तब समझ में आएगा क्या कर दिया ये मैंने कहा कोई बात नहीं मेरे सपनों की भूख बड़ी है मुझे बदलाव लाना है टीच फॉर इंडिया ज्वाइन करने के बाद ये जो भूख थी वो बढ़ती चली गई बढ़ती चली गई बढ़ती चली गई क्योंकि रोज परेशानी देखता था रोज मुसीबतें देखता था और रोज हर मुसीबत के साथ दिमाग में एक हल आता था ऐसे ही कुछ हल ढूंढते ढूंढते कभी मैंने माँ बाप जो वहां माता पिता जो आ, अल्कोहल के अडिक्ट थे उनके लिए नुक्कड़ नाटक तैयार किए एक मेंटरशिप प्रोग्राम तैयार किया उन बच्चों के लिए जिनके माँ या माता या पिता नहीं थे ऐसे ही सल्यूशन ढूंढते ढूंढते एक सोल्यूशन और आया मेरे दिमाग में जिसको मैंने नाम दिया कैंप डायरीज कैंप डायरीज का एम था इन बच्चों तक वो सपने पहुंचाना जो जिसके सपने ये केवल सपनों में देखते थे कहते हैं ना अमीरों के शौक जैसे कि गिटार बजाना डांस सीखना पब्लिक स्पीकिंग कोडिंग साइंस एक्सपेरिमेंट्स, ये सपने इन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तो ले ली थी पर समझ में नहीं आ रहा था क्या करूंगा कैसे करूंगा क्यों करूंगा लोग आएंगे नहीं आएंगे पैसे कहां से आएंगे दस सवाल बीस सवाल पर ये सब हुआ आसानी से नहीं हुआ पर हुआ कुछ बच्चों को इंपैक्ट करने की उम्मीद से शुरू किया गया यह सफर 5000 हजार बच्चों तक चार शहरों में ऑलरेडी पहुंच चुका था और आज यह सपना पंद्रह शहरों में जाने के लिए तैयार खड़ा है काम आसान नहीं है इसलिए दम तो लगानी होगी अकेला शायद ना कर पाऊं तो एक हाथ तुम भी बटा देना मुश्किल की यह घड़ी साथ मिलकर बितानी होगी अगर मैं थक के गिर जाऊं तो रुकने ना देना उठा देना आज भी सोचता हूं कि मिलन कैसे कर पाया ये तू तो हार मान चुका था मैं तो छोड़ चुका था जिंदगी की उम्मीद पर फिर लगता है कि कर पाया क्योंकि शायद मैं यही करने के लिए बना था या शायद मेरी मेहनत ने मुझे हौसला दिया कि मैं अपनी जॉब और आयम छोड़ के ये कर सका जहां मैं अपनी खुद की जिंदगी नहीं जी सकता था पहले आज मैं दूसरे लोगों को जिंदगी जीने का एक जरिया दे रहा हूं लहरों से ना डर तू मजबूत एक नाव बना धूप में खड़ा है तो वृक्ष बन और छांव बना मुश्किलों के दबाव में शहर भी गिर ही जाते हैं इस घने दबाव में छोटा सा एक गांव बना छोटा सा एक गांव बना आखिर मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जिंदगी में कई मोड़ आएंगे जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे आपको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करेंगे आपका इम्तिहान लेंगे लोग आपका हाथ पकड़ के आपको पीछे खींचेंगे आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा दुनिया को आप पे भरोसा नहीं होगा पर उस वक्त ये आप पे निर्भर करता है कि आप पहली कि आप आखिरी बेंच पर बैठ के रोना चाहते हैं या आप पहली बेंच पर बैठकर अपनी जिंदगी की लगाम अपने हाथ में लेके आगे बढ़ना चाहते हैं इसीलिए हार मत मानिएगा विक्टिम मत समझिएगा खुद को आपके हाथ में ताकत है आप बदलाव ला सकते हैं कहते हैं ना मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों में उड़ान होती है हौसलों से उड़ान होती है इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर करना ना भूलें